सोलन के कंडाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में तहसीलदार अमन सिंह राणा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि महिलाओं के कौशल को विकसित किया जा सके। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं को कौशल विकास योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। कौशल विकास निगम के संयोजक नरेंद्र त्यागी ने कहा कि निगम द्वारा कंडाघाट के लघु सचिवालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 94 महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं को सहायक आहार विशेषज्ञ का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि सोलन के विभिन्न खंडों में 1000 महिलाओं को यह प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत विभिन्न खंडों में निगम द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो महिलाएं इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करेगी उन्हें NSDC द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के ज्ञान में वर्धन करना है। मेरा नरेंद्र त्यागी, जिला संयोजक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। आज हमारा यहाँ कंडाघाट मिनी सेक्रेटरिएट में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर का जो है अंतर्गत 2 बैचेज की ट्रेनिंग यहाँ करी जा रही है, जिसमें हम 94 जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये जो कोर्स है असिस्टेंट डाइटिशियन का कोर्स है, 2 दिन का ये कोर्स चलेगा और इस कोर्स को हम कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं ऑलरेडी वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सर्टिफाई करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए, उनकी नॉलेज को और इन्हांस करने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तत्वाधान में हम 1000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग बैचे चलाए जाएंगे। इससे पहले जो है 100 के करीब आंगनवाड़ी वर्कर्स को ब्लॉक सोलन में हम ऑलरेडी प्रशिक्षण दे चुके हैं और कोविड की वजह से थोड़ा प्रोग्राम हमारा डिले हो गया, लेकिन अब ये कंडाघाट ब्लॉक में, धर्मपुर ब्लॉक में और जो हमारे बाकी बचे हुए ब्लॉक है सोलन में, उन सभी में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 2 दिन के कार्यक्रम होने के बाद इनकी एक असेसमेंट होगी और इनके बाद इनको NSDC के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के साथ साथ जो हमारे कैंडिडेट इसको सक्सेसफुली पास करेंगे, सर्टिफिकेशन होगी, उनको NSDC की तरफ से 500 रुपये का एक मॉनेटरी रिवार्ड भी दिया जाएगा। लेकिन मॉनेटरी रिवार्ड मेरी नज़रों में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आंगनवाड़ी वर्कर जो ये काम करते हैं, अगर इनकी नॉलेज जो है और भी अच्छी अपडेट होती है और ये अपने इस काम को, इस कार्यक्रम को अपने फील्ड तक, गांव तक, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम जो है सफल हो पाएगा। हालांकि 2 दिन का समय कुछ कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, जैसे हमारे विभाग कौशल विकास निगम के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हमारे जो है गांव-गांव तक पहुंचे। तो ये कार्यक्रम भी उसी की सूत्रधार में एक कड़ी है और हम आगे इस तरह के कार्यक्रम और भी करते रहेंगे। कंडाघाट से कृष्ण सिंह भान की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।